राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे और जैसे ही गद्दी पर बैठे नित्य नया षड्यंत्र मीरा जी की उस भाव प्रवाहिनी को बाधित करने के लिए करते हैं। जो कर सकते वो किया, जो कंटक मीरा जी के मार्ग में बो सकते बोया। जब इस प्रकार मीरा जी साधुओं की भीड़ में उघाड़ा सिर नाचती, बड़े बूढ़े लोग कहते राणा को, ये क्या कुल कलंकिनी लेकर आए, कुल की मान मर्यादा सब नष्ट कर दी। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। राणा दुष्ट था, भक्त की भक्ति का मर्म भगवान की कृपा के बिना हृदय को स्पर्श नहीं करता। संसार के लोग तो भक्त में दोष खोजते हैं, मृत्यु का उद्यम किया। राणा ने कहा कि जब तक रहेगी तब तक चैन की सांस हमारे लिए नहीं है। वैद्य को बुलाया, बोले कहा कोई ऐसा विष है जो जिभ्या पर रखते ही और प्राण चले जाएं? वैद्य ने कहा है, पर प्रभु किसके लिए चाहिए? राणा ने कहा लेकर आओ और हमारी भाभी सा के पास जाकर कहना कि श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत आया है और राणा जी ने प्रेम से पठाया है। वैद्य जी के हाथ कांप गए, पर राज आज्ञा है, नहीं माने तो अपने प्राण का भय। विष का प्याला मीरा जी के सन्मुख लेकर पहुंचे और कहा श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत है, राणा जी ने बड़े प्रेम से आपके लिए भेजा है। मीरा जी के संग जो मीरा जी की दासियां सहचरियां सेवा में रहती थी उनको संशय हुआ कि ऐसा क्रोध राणा जी बाईसा के लिए मन में रखते हैं, या आज ऐसी दया कैसे निपजी कि बड़े प्रेम से चरणामृत भेजते हैं, जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र होगा। वहां उदा ने देखा, जाने आज उदा के मन में क्या बात आई कि यदि मैं उस भक्ता के लिए कुछ अनुकूल नहीं कर सकती तो कम से कम इन प्रतिकूल षड्यंत्रों में अपने भाई का साथ देके अपना जन्म जीवन क्यों मैला करूं, क्यों बिगाड़ूं। उदा दौड़ी गई, जैसे ही मीरा जी ने हाथ में चरणामृत का प्याला लिया, मुख से लगाने लगी, उदा जी आई चिल्लाई, हाथ पकड़ लिया, बोली भाभी मारा मत आरोगो, विष है, बाबूजी राज ने आपके प्राण लेने के लिए भेजा है। मीरा जी मुस्कुरा दी, दासियां चिल्लाने लगी, वो पहले से ही इस किसी अनिष्ट की आशंका से ग्रसित थी, भयभीत हो गई। मीरा जी ने सबको शांत किया, मीरा जी ने कहा मान लिया कि ये विष है, ये भी मान लिया कि राणा जी मेरे प्राण लेना चाहते हैं, और ये भी सत्य है कि यदि इस विष की एक बूंद मैंने जिभ्या पर रखी तो तत्काल प्राण छूट जाएंगे। पर एक बात बताओ, सर्वप्रथम तो ये विष है या क्या ये मेरे प्रभु जाने, पर मेरे पास तो चरणामृत होकर आया है, इसको किसी ने चरणामृत कहकर दिया है, और दूसरा यदि आज इसको छोड़ती हूं, मैं मन से इसे अपने गिरधर लाल के चरणों में समर्पित कर चुकी, अब यदि इसका परित्याग करती हूं विष जानकर तो प्रसाद की अवज्ञा होगी, और शरीर तो एक दिन छूटना है, अब नहीं छूटेगा, दो घड़ी बाद छूटेगा, चार दिन बाद छूटेगा, प्रसाद की अवज्ञा करके क्यों जाऊं। और फिर सबसे बड़ा सत्य, मान लिया राणा जी मुझसे शत्रुता का भाव रखते हैं, मान लिया मेरे प्राण लेना चाहते हैं, मान लिया यह विष है, और यह भी मान लिया कि यह सत्य है कि यह जिभ्या पर आते ही मेरे प्राण ले लेगा, पर मेरे गिरधर लाल मेरे रक्षक हैं, यह भी तो सत्य है। मेरे गिरधर लाल कहीं चले गए हैं क्या? क्या मेरे गिरधर लाल यहां नहीं है? वही सहज प्रसन्न मुद्रा, मुख से चरणामृत का वो प्याला लगाया और हतप्रभ हो गया वो वैद्य, हतप्रभ हो गई उदा, अचंभित रह गई दासियां कि जो एक बूंद से प्राण ले लेता वो पूरा का पूरा प्याला मीरा जी पी गई। मुख की प्रसन्नता और बढ़ गई, मुख की कांति और बढ़ गई, मीरा जी के उस रूप, मीरा जी के उस विश्वास भरे सौंदर्य का। देखो क्या है, संसार में भी जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है ना, तो उसका व्यक्तित्व जो होता है निखर जाता है, और एक व्यक्ति जो मन से दुर्बल हो, मन की दुर्बलता मुख पर आती है, किसी किसी के मुख पर बड़ी आभा होती है, प्रभा होती है, वो और कुछ नहीं, वो आत्म का बल है, आत्म का विश्वास है। और यहां मीरा तो गिरधर लाल के विश्वास से भरी, रोम रोम से प्रेम छलक रहा था। उदा ने जान लिया, मन में ठान लिया
कि अगर कभी इनके अनुकूल न हो पाऊंगी तो कम से कम प्रतिकूल भी नहीं होंगी। राणा जी का ये उपक्रम निष्फल हुआ, दूसरा प्रयास सोचने लगे। उदा ने समझाया कि आप यदि कहें तो मैं एक बार बाईसा को जाकर समझाती हूं, उनके लिए ऐसा ऐसा षड्यंत्र करना उचित नहीं, ये बात बड़ी ओछी है। राणा जी ने कहा कि एक बार अवसर देता हूं, जाकर समझा लो, मान जाएगी तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे दंड देना आता है। उदा ने जाकर समझाया। मीरा जी ने गाया, बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं, निर्भय निशान गुरास्या रिमाई। उदा ने समझाया, भाई सा अब सिंहासन पर बैठे हैं, ये कुंवर भोजराज या राणा सांगा जैसा हृदय नहीं है, आपके प्राण ले लेंगे, रूठ जाएंगे तो जानती नहीं क्या विपदा पड़ेगी आप पर। मीरा जी ने कहा, राणा जी रूठे मारो काय कर लेसी। उदा ने खींच कर कहा, काय कर लेसी तो निंगे पड़ जासी। मीरा जी ने तानपुरा उठाया और गाने लगी, राणा जी रूठे मारो काय कर लेसी, मैं तो हरी गुण गास्या राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठिया कठ जा सारी माई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भौ सागर तिर जा सारी माई। मीरा दासी सावल गिरी धरनी, मैं तो चरण कमल लिपटा सारी माई। उदा ने सोचा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बोले इनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, राणा जी से प्राण दंड पाएंगी तो इनकी मन भाई होगी। उधर महल में कुछ एक दासियां राणा ने अपने गुप्तचर के रूप में छोड़ रखी थी, किसी ने आकर राणा से कहा कि रात को मीरा के कक्ष से किसी परपुरुष की आवाज आती है। राणा ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, तुम मुझे आकर बताना जिस समय तुमको आवाज आए, मैं तत्काल जाऊंगा, और यदि मुझे प्रत्यक्ष कोई परपुरुष मीरा के कक्ष में मिला तो अपनी खड़ग से उसी समय सिर काट लूंगा, तो भी मुझ पर कोई बात नहीं आएगी, तो भी मुझ पर कोई लानत नहीं आएगी कि ऐसी कुलकलंकिनी भौजाई के साथ तो ऐसा ही व्यवहार उचित था। दासी ने आकर सूचना दी, मीरा जी अपने कक्ष में बैठी किसी के साथ चौपड़ खेल रही थी, मीरा की आवाज कान में आती और किसी की आवाज कान में आती। दासी ने दौड़ कर जाकर राणा जी को सूचना दी कि तत्काल चलिए, आपका मन भाया होगा। राणा जी दौड़े गए, क्रोध से, राग से, द्वेष से भरे, लाल आंखें, तमतमाया चेहरा, फड़कते हाथ, नंगी खड़ग, द्वार खटखटाया, किसी ने भीतर से द्वार नहीं खोला। प्रहार किया, तोड़ दिया द्वार, जाकर देखा कि बता कुल कलंकिनी, कुल घातिनी कौन था जिसके संग यहां रंग रलिया करती थी। मीरा जी हंस दी, बोली जो था सो तो अभी भी है, आपको दिखाई नहीं देता। राणा का क्रोध और बढ़ा, यहां वहां जहां देखता है खड़ग से प्रहार करता है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। कक्ष का एक एक कोना, कक्ष की एक एक वस्तु तोड़ डाली, नष्ट कर दी, चौपड़ फैला दी, और मीरा जी ज्यों की त्यों वैसी प्रसन्न, निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद बैठी, और राणा की इस कोप लीला का जैसे मनो आस्वादन करती हूं। थक गया जब राणा, क्रोध में क्या है, क्रोध व्यक्ति की ऊर्जा को खींच लेता है। थक गया राणा, कोई नहीं मिला, जाने लगा, बोले निश्चित रूप से तू कोई जादू टोना जानती है, निश्चित रूप से तू कोई तंत्र या मंत्र जानती है, पर देखना छोड़ूंगा नहीं, प्राण लेकर रहूंगा तेरे। और जब जाने लगे तो मीरा जी ने कहा, देवर जी जिससे मिलने आए थे वो तो अभी भी यहीं विराजता है। हां आप राग में भरे आए, क्रोध में भरे आए, द्वेष में भरे आए, प्राण लेने के लिए आए, प्राण न्योछावर करने के लिए आते तो मैं आपको बताती, मैं आपको दिखाती कि मेरे कमरे में कोई पर पुरुष नहीं, परम पुरुष बैठा है। राणा की समझ में कहां बात आती, जब तक उसकी कृपा ना हो भक्त की महिमा समझ में नहीं आती। चला तो गया राणा, लेकिन अब दासियों को बड़ी चिंता होने लगी कि ये तो दिन प्रतिदिन नए उपक्रम करता है बाईसा के प्राण लेने के लिए, और बाईसा गंगा की ऐसी निर्मल धारा है,
स्नान करके पुण्यात्मा हो जाओ या मदिरा में मिलाकर उसका अपना सर्वनाश कर लो, कौन समझाए राणा को। मीरा जी मुस्कुरा दी, बोली देवर जी बेचारे नहीं जानते कि वो छलिया क्या तलवार के जोर से बस में आता है, उस छलिया को क्या किसी ने तलवार के जोर से बांधा है, यही आज प्रेम में भरकर आते तो जीवन सफल हो जाता। संत के पास जाओ, सत्संग में जाओ। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया ऐसा, मुझे समय का भी ध्यान रखना होता है, आज यदि 10 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि देखो जैसा मैंने कहा कि मीरा जी का चरित्र तो बहुत दिन में मैं कहता हूं, पर आज ठाकुर जी की इच्छा थी कि मैं इसी प्रेम की ध्वजा का दर्शन करके इस भाव यज्ञ को विश्राम दूं, तो मुझे आज कहना पड़ा। केवल ये तो मैंने मीरा जी के चरित्र को स्पर्श मात्र किया है, पर फिर भी श्री ठाकुर जी के पास पहुंचाकर ही मुझे इस चरित्र को विश्राम देना है। आज अंतिम दिन है इस भाव यज्ञ का। सो आपने इतने दिन इतने प्रेम और भाव से बैठकर श्रवण किया, मैं अनुग्रहित हूँ। आज जरूर आपसे चाहूंगा कि पूर्ण आहुति का दिन है, यदि कुछ क्षण मुझे विलंब हो भी जाता है तो आप इसी प्रेम और भाव से, इसी सौहार्द से बैठे कथा का श्रवण करें। भूखा नाहर नाना जी ने सोचा कि खड़क से बात नहीं बनी, विष से बात नहीं बनी, जंगल से बुलाया भूखा नाहर और मीरा जी के महल की ओर छोड़ दिया। ड्योड़ीदार ड्योड़ी छोड़ गए, पहरेदारों ने अपने अस्त्र त्याग दिए, दौड़े गए और भूखा नाहर गरजता है, भीतर दासियां चिल्लाने लगी, भयभीत हो गई उस भूखे सिंह की गर्जना सुनकर। भोग का समय था, मीरा जी ने अभी अभी अपने गिरधर लाल का श्रृंगार किया था, हाथ के थाल में नैवेद्य और आरती थी, और जब देखा कि द्वार पर भूखा नाहर बैठा है, मीरा जी गिरधर लाल की ओर मुड़ने की बजाय द्वार की ओर जाने लगी। दासियों ने रोका, भाई साहब क्या करती हो, वहां भूखा नाहर बैठा है, कितने ड्योड़ीदार चीर दिए, कितने पहरेदार मार दिए, और राणा जी ने ऐसा उपक्रम किया है कि अब द्वार तक आ पहुंचा है और आप द्वार की ओर जाती हो। बोले अरे तुम तो सब पगली हो, मेरे नैनों से देखो, मेरे द्वार पर आज नृसिंह भगवान पधारे हैं, प्रभु पधारे हैं, आज मीरा के आंगन में उत्सव होगा और देखना मेरे प्रभु मेरे हाथ से जीमेंगे। मीरा भोग का थाल, सजी आरती, सुंदर पुष्पों की माल, रौरी अक्षत, निर्भय। और जब कभी मैं इस घटना का चिंतन करता हूं तो ऐसा लगता है कि कोटि प्राण न्यौछावर हो जाने चाहिए ऐसी भक्ता की भक्ति पर, इस प्रेम की निर्भयता पर। किंचित चिंता, किंचित भाव परिवर्तन श्री मीरा जी के मुख मुद्रा पे नहीं हुआ, निर्भय गति से मंद मंथर चलती उस भूखे नाहर के निकट आकर बैठी, हाथ से तिलक अक्षत अर्पण किया। जो माल अपने गिरधर लाल को अर्पण करने के लिए बनाई थी, वो माल, वो सुंदर वैजंती माल उस भूखे नाहर के गले में डाली, हाथ में लड्डू लिया और उस भूखे नाहर के मुख के आगे कर दिया। दासियां देख रही हैं, दूर खड़े ड्योढ़ीदार इस लीला का दर्शन कर रहे हैं कि कैसे वो भूखा नाहर मस्तक झुकाए मीरा जी के हाथ से बैठा वो लड्डू वो प्रसाद पाता है। मीरा जी ने कहा कि अरे तुम सब पागल हो, बावरी हो क्या, जब प्रभु आते हैं तो ऐसे स्वागत किया जाता है, देखती नहीं मेरे द्वार पर कृपा करके नृसिंह भगवान पधारे हैं, आज मेरे श्याम सुंदर का श्रृंगार मैं पुनः करूंगी, आज मीरा के आंगन में उत्सव होगा, महल में पता चलना चाहिए कि आज बाईसा के यहाँ प्रभु का पधारना हुआ है, प्रभु की पधरावनी हुई है। राणा के कान में ये बात पड़ी, हाथ मलता रह गया। क्रोधी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उस क्रोध से सबसे पहली पीड़ा स्वयं क्रोधी व्यक्ति को ही होती है। जब आप किसी का अहित सोचते हैं ना, आप समझो कि जब आपने किसी का अहित चिंतन किया, आपका अहित तो उसी क्षण हो गया, आपने अपना अहित तो उसी क्षण आरंभ कर दिया। उदा जान गई मीरा जी की महिमा, लेकिन राणा की समझ में नहीं आई। अब मीरा जी ने देखा कि यहां नित्य प्रति उत्पात होते हैं, मीरा जी ने सोचा कि अब ये स्थान छोड़ देना चाहिए, पर पति गया है, पति के पीछे कैसे ये स्थान छोड़ दूं, ससुराल त्याग दूंगी तो पहले ही कुल की कान नहीं रख पाई, ससुराल त्याग दूंगी तो स्त्री का धर्म, मेरे पीछे अन अधिकारी लोग भी इस मार्ग पर चलेंगे और कहीं समाज में कोई विभीषिका ना फैल जाए। मीरा जी इस विचार में पड़ गई कि घर छोड़ू या नहीं छोड़ू।
प्रतिकूलता से डर रही हैं, लेकिन राणा जी मेरे लिए ऐसी ईर्ष्या, मेरे लिए ऐसी घृणा मन में रखे हैं, इससे राणा जी का जीवन भी तो खराब होता है। संत हृदय नवनीत समाना, इतना सुकोमल मीरा जी का हृदय कि राणा जी का अहित होते नहीं देख सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा कि अब आप ही मेरा आश्रय हैं, आप ही मेरा सहारा हैं, मार्ग दीजिए, क्या करूं, कहां जाऊं, यहां नित्य प्रति नया उत्पात होता है, नित्य प्रति नया षड्यंत्र है, भजन नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता, भजन के अनुकूल वातावरण नहीं है। गोस्वामी जी ने